गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तवा, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था। चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। हर किसी के लिए मैंने आंसर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप आप सबने जो एक्सरसाइजेस करनी थी आप सबने कर ली होगी, कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। इनकेस अभी भी कोई डाउट आपको लेफ्ट है, कोई वर्ड मीनिंग में इशूज़ हैं, तो प्लीज़ आप उसे अभी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके टेस्ट होने वाले हैं और आपने अगर लास्ट टेस्ट दिया है तो आपको पता है कि मैं वर्ड मीनिंग्स पे फोकस ज़्यादा करने वाली हूँ। वर्ड मीनिंग्स के टेस्ट होंगे आपके, तो आप मेक श्योर करिए कि आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग आती हो। ओके, एटलीस्ट जितने हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उतनी तो आए, ठीक है। आज का हमारा जो पोयम है दैट इज़ ब्यूटी, और ये E.S. शुर के तरह से लिखी गई है। ओके, इस पोयम में बेसिकली बताया गया है कि वॉट इज़ अ ब्यूटी, खूबसूरती क्या है, क्या चीज़ है जिसको आप खूबसूरत कहते हैं, क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, उसको देख के आपके मुंह से निकलता है कि वाओ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल कोई एक स्पेसिफिक चीज़ में नहीं है, कोई एक ही चीज़ नहीं है जो खूबसूरत होती है। हर चीज़ में खूबसूरती होती है, और हर एक चीज़ को आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, यू विल सी समथिंग गुड अबाउट इट। हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा या बुराइयाँ होती हैं बच्चों, और हर एक चीज़ में ब्यूटी छुपी होती है। ये देखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो ब्यूटीफुल पोर्शन को देख पा रहा है या नहीं। ओके, आगे देखते हैं ब्यूटी पे ये लिखी हुई पोयम। ओके, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, खूबसूरती देखी जाती है इन द सनलाइट, सूरज की किरणों में, द ट्रीज पेड़ों में, द बर्ड्स चिड़ियों में, कॉर्न ग्रोइंग मक्के जब उगते हैं उसमें भी खूबसूरती है कि नहीं, एंड पीपल वर्किंग और जो लोग काम करते हैं उनमें भी खूबसूरती है, और डांसिंग फॉर दियर हार्वेस्ट और उनकी जो भी फसल उगती है, जो भी फसल उपजती है उसके लिए जब वो डांस करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, तो उसमें भी एक खूबसूरती होती है। अब जैसे कि आप सुबह उठेंगे एंड यू विल सी द सनलाइट, आप सन को राइजिंग सन देखेंगे, है ना, कलरफुल स्काई देखेंगे, यू विल फाइंड इट ब्यूटीफुल, आपको खूबसूरत लगेगा, बेहद खूबसूरत लगेगा। आप पेड़ों को देखेंगे तो आप देखेंगे हर तरह के पेड़ अलग खूबसूरत हैं, किसी के पत्ते ज़्यादा डार्क ग्रीन हैं, किसी के लाइट ग्रीन हैं, किसी के पे जो लीव्स हैं उनकी कटिंग डिफरेंट है, तो ट्रीज आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। आप बर्ड्स को देखिए, बर्ड्स पीकॉक ले लीजिए फॉर एग्जांपल, हमारे शामगढ़ में बहुत सारे पीकॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वन काइंड ऑफ, मतलब दे आर काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब दे आर नेशनल बर्ड है पीकॉक, एंड दे आर ब्यूटीफुल। उसमें सारे कलर्स हैं, द फेदर्स एंड द विंग्स, एवरीथिंग इज मार्वेलस। नॉट ओनली पीकॉक, इफ यू सी द पिजन्स, पिजन्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, एंड पैरट्स, सी। सो हर एक चीज़ में, एवरीथिंग दैट इज इन प्रेजेंट अराउंड अस इज ब्यूटीफुल इन अ वे। कॉर्न ग्रोइंग, अब जैसे कि खेती होती है, ओके, खेत में चीज़ें उगाई जाती हैं, आप फसल को देखिए कितनी खूबसूरत होती है फसल, जब लहराती है, जब उगती है, किस तरह से एक सीड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्लांट में, और फिर उस प्लांट से हम फ्रूट एंजॉय करते हैं। पीपल वर्किंग, खूब सारे लोग खेत में काम करते हैं, एक साथ एक ग्रुप में काम करते हैं, वो देखने में कितना अच्छा लगता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। और हार्वेस्ट पे जब डांस करते हैं, हार्वेस्ट पे बच्चों, मतलब जब फसल हो जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है लैंड में, खेत में, फिर जब जब किसान होते हैं, जब वो उसकी कटाई करते हैं, ठीक है, जब उसे काट के फसल को उपयोग के लिए ले जाते हैं, तो उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में बहुत सारे मनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोहड़ी ले लीजिए, आपने अभी रिसेंटली लोहड़ी देखी थी, लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी का पंजाब में मनाई जाती है। ऐसे ही हमारे हर रीजन में पोंगल में, पोंगल इज़ अ फेस्टिवल, साउथ में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे हमारे आसाम में, उड़ीसा में, हर जगह जब भी फसल उगती है, कंप्लीट होती है, तो फिर उसके गॉड को थैंक यू करने के लिए जो हमारे यहाँ उसके लिए सेलिब्रेशन होती है कि हमारी फसल अच्छी रही, ठीक है। तो ऐसे जो हार्वेस्ट की जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, इनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल्स किस किस रीजन में हार्वेस्ट के ऊपर मनाए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट, ब्यूटी जो है इतनी खूबसूरती होती है वो रात में आप सुन भी सकते हैं। सिर्फ ये सिर्फ आपकी आई साइट को प्लीज़ करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी आँखों को खूबसूरती, सिर्फ अपनी आप खूबसूरती, सिर्फ आपकी, आप सिर्फ आँखों से ऑब्जर्व करें वही खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती सुनने में भी है। अगर आप ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग सुनते हैं, है ना, आप बर्ड्स को चिर्प करते हुए सुनते हैं, बर्ड्स को गाते हुए सुनते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटी। आप रात में अब छत पे खड़े रहें या अपने टेरेस पे खड़े रहें, ठीक, तो और हवा चलती रहे, देन ऑल्सो यू एन्जॉय इट, आपको वो भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी ब्यूटीफुल है।
विंड साइंग मतलब विंड की हवा की जो आवाज़ है, जो पेड़ों से लड़ते हुए जो सरसराहट है, जब आप वो सुनते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। रेन फॉलिंग, अगर बारिश गिरती है, बारिश की जो बूंदें होती हैं टिप टिप पड़ती हैं, और उसकी जब ज़ोरदार बारिश होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, वो भी बहुत ही अच्छी होती है। और सिंगर चैंटिंग, और अगर कोई गायक गा रहा है अपने या फिर कोई मंत्र का उच्चारण आप सुनिए, आप सुबह उठ करके अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या आप कुछ भी अजान सुनते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है जब आप वो सुनते हैं। एनी थिंग इन अर्नेस्ट, और हर एक वादा जो किया हुआ है, हर एक सत्यता पूर्वक जो भी आप मन से जो भी आप करते हैं, जो भी आप सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं, वो सभी चीज़ें बहुत खूबसूरत होती हैं। इवन आप पढ़ाई करते हैं, आपको बहुत मन से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से स्कोर आते हैं, नंबर आते हैं, आपको प्रेज़ मिलता है, प्रेजल मिलता है, आपको कितना अच्छा लगता है, कितना ब्यूटीफुल व्यू होता है जब आपके पेरेंट्स आपकी या आपके टीचर्स आपकी सराहना करते हैं। सो ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, ब्यूटी आपके अंदर है कि आप ब्यूटी को कहाँ देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ, ब्यूटी आपके अंदर है, आपके खुद के अंदर है। गुड डीड्स आपके अच्छे कर्मों में है, आप जो अच्छी बातें करते हैं उनमें ब्यूटी है। आप किसी दिन किसी पुअर की हेल्प करिए, किसी नीडी की हेल्प करिए, ठीक है, तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और फिर आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। वो हैप्पी थॉट्स, अगर आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, हैप्पी हैप्पी सोचते हैं, आप कभी नेगेटिव नहीं सोचते, आप सैड नहीं होते, आपको लगता है कि अरे ये हो गया कोई बात नहीं, आगे अच्छा करेंगे, आप हमेशा जब आप हैप्पी रहते हैं देन इट्स ब्यूटीफुल। वो आपके चेहरे पर, आपके इंप्रेशन में वो हर जगह दिखता है कि यू आर हैप्पी एंड व्हाट, मतलब अगर आप हैप्पी हैं देन इट मेक्स यू ब्यूटीफुल। दैट रिपीट्स देमसेल्फ, और ये सारी एक्टिविटी जब आप बार बार करते हैं, बार बार हेल्प करते हैं, बार बार पॉजिटिव थाट्स अपने माइंड में रखते हैं, तो दैट मेक्स यू मोर ब्यूटीफुल, और इस तरह से आप और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इन योर ड्रीम्स, अगर आपको अच्छे सपने आते हैं, इन योर वर्क, आप अपने काम अच्छे से करते हैं, या जब अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर आप आराम भी कर रहे हैं, तो भी आपको ब्यूटी दिखेगी और आपको ब्यूटी ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। तो ब्यूटी हो, ब्यूटी बेटा किसी एक ही चीज़ में नहीं है, ब्यूटी हर एक चीज़ में है। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे कि आपको ब्यूटी कहाँ लगती है, क्या आपको सुबह उठने के अलावा रात में भी ब्यूटी लगती है, दोपहर में भी आपको अच्छा लगता है, स्कूल में आपको अच्छा लगता है, आपकी लोकेलिटी में आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, क्या आपको ब्यूटीफुल लगता है, ये आप मुझे बताएंगे। और ये हमारी पोयम फिनिश होती है विद अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट कि ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, ब्यूटी हर जगह है, ब्यूटी आपके अंदर है, ब्यूटी आपके नज़रिए में है। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से देखना चाहेंगे तो आप चीज़ों को अच्छा ही देखेंगे, और अगर आपका मन का थॉट प्रोसेस ही ख़राब है, अगर आपको लगता है कि अरे नहीं आप पेसिमिस्ट हैं, आप हर एक चीज़ में आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे, आप हर चीज़ को ख़राब करेंगे, तो आपको ख़राब ही लगेगी। इंसान जैसा सोचता है इंसान वैसा ही बन जाता है। अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिव देखेंगे, हर चीज़ में ब्यूटी देखेंगे, तो आप भी ब्यूटीफुल हो जाएंगे, और आपकी सोच अच्छी हो जाएगी तो आपके अंदर ही ब्यूटी एग्जिस्ट करेगी, और जो खुद अच्छा होता है उसे बाहर भी सब कुछ अच्छा ही देखना अच्छा लगता है। ठीक है, इसके साथ हमारी ये पोएम फिनिश होती है। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, एक पिक्चर भी भेज दे रही हूँ, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, मैंने जो टास्क दिया है वो आप करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं एंड कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं। ओके, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स की लिस्ट आप मुझे ज़रूर 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 बताएंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल की लिस्ट और व्हाट यू फाइंड ब्यूटीफुल। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, यू फाइंड इट ब्यूटीफुल, है कि नहीं? आपके पापा दिन भर मेहनत करते हैं आपके लिए, यू फाइंड इट ब्यूटीफुल। आपके सिबलिंग्स आपके काम में हेल्प करते हैं, आप अपने छोटे भाई या बड़ी बहन की हेल्प करते हैं, यू फाइंड इट ब्यूटीफुल। ठीक है, आप छोटे मोटे झगड़े भी करते हैं तो वो भी प्यार ही है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल एंड द वन जो इन चीज़ों को देखता है वो खुद बहुत ब्यूटीफुल होता है, तभी उसको बाहरी चीज़ें भी ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोएम फिनिश होगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। तब तक आप सभी टेस्ट में, बच्चों बहुत कम बच्चों ने परफॉर्म किया, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बार बार टेस्ट दिए हैं, मेरे इतने मना करने के बाद भी आप लोग कई बार टेस्ट दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। आपने एक बार अटेम्प्ट कर दिया, दैट्स इट, अब आप बार बार उस पर टेस्ट देंगे तो आपके फिर मार्क्स डिफर होंगे, तो फिर मैं बच्चों के नाम नहीं लेना चाहती इस तरह से, लेकिन कई बच्चे हैं जो बार बार टेस्ट दे रहे हैं, मुझे तो उनके नाम पता है पर मैं ऐसे बताना नहीं चाहती, तो लेकिन आप ऐसा ना करें बच्चों, प्लीज़ आप एक ही बार टेस्ट दें और एक ही बार अच्छे से दें, बार बार टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं इसको। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, आगे की जो भी हमारी एक्सरसाइज है हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, आपके पीरियोडिक टेस्ट भी होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो जो भी पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़िए। एंड बच्चों, वर्ड मीनिंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं बार बार कहती हूँ वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकबोन है इंग्लिश की। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।